वज्रपाणी सूत्र के अनुसार एक बार एक रुद्राक्ष नामक राक्षस ने बुद्ध के शरीर के अंगों को चुरा लिया था, जिन्हें वह अपने गर्भ में रखता था। रुद्राक्ष का उद्देश्य था कि वह बुद्ध की शक्ति को अपने लिए अवशोषित करे और उसके द्वारा संसार पर शासन करे। रुद्राक्ष को रोकने के लिए वज्रपाणी ने अपने वज्र के साथ उसके गर्भ को फाड़ दिया और बुद्ध के अंगों को बाहर निकाला। फिर वज्रपाणी ने उन अंगों को अपने वज्र के साथ एकत्रित किया और उनसे एक विशाल बुद्ध की मूर्ति बनाई, जिसे वज्रधारी बुद्ध के नाम से जाना जाता है। इस मूर्ति का आकार इतना बड़ा था कि वह आकाश को भी छू सकती थी। इस प्रकार वज्रपाणी ने बुद्ध की शक्ति को पुनर्स्थापित किया और उसे अपना गुरु और आदर्श माना। बुद्ध के आसपास तीन रक्षक देवता हैं, उनमें से एक वज्रपाणी है, जिनका चित्र अजंता की गुफाओं में भी बनाया गया है। वज्रपाणी में बुद्ध के साथ ही सभी पांच तथागतों अर्थात वैरोचन, अक्षोभ्य, अमिताभ, रत्न संभव और अमोघ सिद्धि की शक्ति भी समाहित है। वज्रपाणी एक तांत्रिक वज्रयान बौद्ध देवता है, जिसका अर्थ है वज्र का धारक। वह गौतम बुद्ध के रक्षक और उनके मार्गदर्शक का कार्य करता है और उनकी शक्ति और गुरुत्व का प्रतीक है। वह अक्सर एक वज्र और एक घंटी लिए हुए एक सिंह के ऊपर बैठे हुए और उग्र और भयानक रूप में चित्रित किया जाता है। वज्रपाणी का मूल इतिहास बहुत पुराना और अस्पष्ट है। कुछ विद्वानों का मानना है कि वह वैदिक देवता इंद्र का बौद्ध रूप है, जो वज्र का उपयोग करके असुरों को हराता था। कुछ अन्य विद्वानों का कहना है कि वह एक शक्तिशाली यक्ष था, जिसे बौद्ध धर्म ने अपने अंतर्गत शामिल कर लिया। वज्रपाणी का पहला उल्लेख महायान बौद्ध ग्रंथों में मिलता है, जहां वह बुद्ध के शिष्यों में से एक के रूप में वर्णित है। वह बुद्ध की शिक्षाओं को सुरक्षित रखने और उन्हें दूसरों को प्रचारित करने का जिम्मा लेता है। वज्रपाणी सूत्र एक तांत्रिक बौद्ध ग्रंथ है, जो वज्रपाणी बोधिसत्व की महिमा, उपासना और चमत्कारों का वर्णन करता है। इस सूत्र में वज्रपाणी को बुद्ध के शिष्य, रक्षक और शक्ति के रूप में प्रदर्शित किया गया है। इस सूत्र का उद्देश्य है कि वज्रपाणी के ध्यान, मंत्र, मुद्रा और योग के अभ्यास से उपासक अपने मन, वाणी और काया को शुद्ध, शांत और समर्थ बना सके। वज्रपाणी सूत्र का रचना काल लगभग पहली शताब्दी ईसा पूर्व से छठी शताब्दी ईसा पूर्व के बीच माना जाता है। इस सूत्र का मूल रूप संस्कृत में लिखा गया था, लेकिन बाद में तिब्बती, चीनी, जापानी और अन्य भाषाओं में अनुवाद किया गया। वज्रपाणी की महाकाव्य लड़ाई का वर्णन वज्रपाणी सूत्र के चौथे अध्याय में मिलता है, जिसका शीर्षक है रुद्राक्ष विनाश। वज्रपाणी सूत्र की एक विशेषता है कि इसमें वज्रपाणी की महाकाव्य लड़ाई का वर्णन किया गया है, जिसमें वज्रपाणी ने एक भयानक राक्षस रुद्राक्ष को हराया, जो बुद्ध के शरीर के अंगों को चुराकर अपने गर्भ में रखता था। वज्रपाणी सूत्र के अन्य अध्यायों में वज्रपाणी के विभिन्न रूप, उनके उपासकों, उनके मंत्र, मुद्रा, मंडल, यांत्र, योग, ध्यान, साधना और रहस्यों का वर्णन है। इस ग्रंथ में वज्रपाणी को बुद्ध के अनुकूल और प्रतिकूल दोनों प्रकार के शक्तियों का स्वामी बताया गया है। वज्रपाणी का उग्र रूप उसके शत्रुओं को भयभीत करने और उनके अहंकार को नष्ट करने का उद्देश्य रखता है। वह अपने भक्तों को बुद्ध के मार्ग पर चलने का साहस और आत्मविश्वास देता है और उन्हें दुख और अज्ञान से मुक्ति दिलाता है। वह वज्रयान बौद्ध धर्म का एक महत्वपूर्ण देवता है, जो तांत्रिक विधियों और मंत्रों का उपयोग करके बुद्धत्व की प्राप्ति का मार्ग दर्शाता है। वज्रपाणी एक बौद्ध बोधिसत्व है, जिसे वज्र का धारक या वज्र का शक्ति के रूप में जाना जाता है। वज्रपाणी का अर्थ है वज्र का हाथ या वज्र का पंजा। वज्रपाणी को बुद्ध के शिष्यों में से एक माना जाता है, जो बुद्ध के उपदेशों को रक्षा करने और दुष्टों को दंडित करने का प्रतीक है। वज्रपाणी की पूजा भारत, नेपाल, तिब्बत, चीन, जापान, कोरिया, थाईलैंड और अन्य देशों में की जाती है। वज्रपाणी का इतिहास बहुत प्राचीन है। वज्रपाणी का पहला उल्लेख पाली कर्ण सूत्र में मिलता है, जो लगभग पहली शताब्दी ईसा पूर्व की है।
इस सूत्र में वज्रपाणि को बुद्ध के शिष्य वज्रपुष्प के रूप में बताया गया है, जिसने बुद्ध को वज्र के फूल दिए थे। वज्रपाणि की प्रतिमा और चित्र पहली शताब्दी सी से लेकर छठी शताब्दी सी तक भारत, नेपाल और तिब्बत में बनाई गईं। वज्रपाणि को आमतौर पर एक हाथ में वज्र और दूसरे हाथ में घंटी लिए हुए दिखाया जाता है। वज्र और घंटी का अर्थ है कि वज्रपाणि के पास करुणा और प्रज्ञा की शक्ति है, जो बौद्धचित्त का प्रतीक है। वज्रपाणि को चीन में वेदाना या वेदाना पूसा, जापान में वज्रहन्या या फुदोम्यो, कोरिया में वेदाना या वेदाना बोसाल के नाम से जाना जाता है। वज्रपाणि को इन देशों में आग, बिजली, शत्रु, भय और अज्ञान के नाशक के रूप में पूजा जाता है। वज्रपाणि की प्रतिमा और चित्र इन देशों में भी विभिन्न शैलियों और कालों में बनाई गई हैं। वज्रपाणि का इतिहास बौद्ध धर्म की एक महत्वपूर्ण शाखा वज्रयान या तंत्रिक बौद्ध धर्म के साथ भी जुड़ा हुआ है। वज्रयान का अर्थ है वज्र का यान या वज्र का मार्ग। वज्रयान के अनुयायी वज्रपाणि को अपने गुरु, रक्षक और आदर्श के रूप में मानते हैं। वज्रयान के अनुयायी वज्रपाणि के साथ विशेष ध्यान, मंत्र, मुद्रा और योग का अभ्यास करते हैं, जिससे वे वज्रपाणि की शक्ति, दया और ज्ञान को प्राप्त कर सकें। पांडवलेनी गुफाएं नासिक, महाराष्ट्र में स्थित 24 बौद्ध रॉक गुफाओं का एक समूह है। ये गुफाएं बौद्ध धर्म के अनुयायियों द्वारा बनाई गई हैं, जो इन्हें चैत्य यानी मंदिर और विहार यानी मठ के रूप में उपयोग करते थे। ये गुफाएं बौद्ध कला और संस्कृति के उत्कृष्ट उदाहरण हैं, जिनमें भित्तिचित्र, मूर्तियां, स्तंभ और शिलालेख पाए जाते हैं। इन गुफाओं में वज्रपाणि की कुछ प्राचीन मूर्तियां देखी जा सकती हैं, जो वज्रयान या तंत्रिक बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए महत्वपूर्ण हैं। वज्रपाणि की मूर्तियां पांडवलेनी गुफाओं की गुफा 3, गुफा 18 और गुफा 20 में पाई जाती हैं। गुफा 3 में वज्रपाणि की एक विस्तृत नक्काशी है, जो उसके आगे के भाग में स्थित है। गुफा 18 में वज्रपाणि की एक बड़ी मूर्ति है, जो एक सिंहासन पर बैठी हुई है। गुफा 20 में वज्रपाणि की एक छोटी मूर्ति है, जो एक शिक्षण मुद्रा में है। कुछ वज्रपाणि की मूर्तियां उसे एक हाथ में वज्र और दूसरे हाथ में घंटी पकड़े हुए दिखाती हैं, जो उसके ज्ञान और करुणा का प्रतीक है। कुछ वज्रपाणि की मूर्तियां उसे एक या दो सिरों, चार या छह भुजाओं और दो पैरों के साथ दिखाती हैं, जो उसके विभिन्न रूपों और शक्तियों को दर्शाते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।